पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी बड़ों का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो, जीते जी माता पिता को जो खिला सकते हो प्रेम से खिला लो, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। मरने के बाद दवाई काम करेगी? अरे बोलो तो सही, नहीं। अगर जिंदा था और दवाई देते तो हो सकता है थोड़ी उम्र और बढ़ जाती, श्वास और बढ़ जाती। मरने के बाद दिया तो कौन सा दिया? दान करना है जीते जी करो। कल कोई माता जी कर रही थी, गुरु जी दिल्ली से आई थी साथ, गुरुदेव मुझे आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, 21,000 रुपए जमा करना है। हमने कहा वो काउंटर लगा, कर लो, क्या दिक्कत है, पर मैं चाहती हूं कि मैं मेरे लिए आजीवन भोजन भंडारा करूं। हमने कहा करो। तो उनके पास में उनकी बहू खड़ी थी, उसने कहा मम्मी हमने तो सुना है कि स्मृति में होता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो मैं जिंदा हूं, तो फिर हमने कहा आपका जन्म की तारीख तो आपको याद होगी, जो करना है जीते जी करो। आज परिवार वाले आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपका जन्मदिन मनाएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू कहने ऊपर आएंगे क्या? कौन जन्मदिन मनाएगा, कौन कहेगा? कम से कम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कर गए, परिवार वाले भले याद ना रखें पर कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर पत्थर पे तो लिखा रहेगा, और आपके निमित्तार्थ लोग जीते तो रहेंगे, आपके निमित्तार्थ जीते तो रहेंगे। जीवन पर्यान है नहीं है, जीवन पर्यान जपते तो रहेंगे, भजन करते तो रहेंगे, भजन स्मरण करेंगे, जीते जी दवाई काम करेगी मरने के बाद।